हाय फ्रेंड्स, मार्च आया, गर्मी लाया और गर्मियों में सबकी फरमाइश चालू हो गई। श्रीखंड बनाओ, बासुंदी बनाओ, फ्रूट सलाद बनाओ, ये सारी चीज़ें तो हम घर में बना लेते हैं, लेकिन गोला, आइसक्रीम और चुस्की हम बाहर जाके ही उसका आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं बाहर के गोला चुस्की में कितने कलर्स और प्रिजर्वेटिव डाले हुए रहते हैं जो हम बच्चों को देते हैं, तो उसकी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हम क्या करें कि बच्चों की टंग को टेस्टी भी लगे और उसकी सेहत भी अच्छी रहे, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको फ्रेश फ्रूट से हम कैसे कैंडी बना सकते हैं। तो पेस ये हमारा लॉलीटॉप, ये एक इसकी यूनिकनेस ये है, एक दूसरे के साथ ये जॉइंट हो जाता है, ऐसे जॉइंट हो जाता है, और ये ऐसी अलग प्लेट नहीं, अलग ट्रे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खड़ा रह सकता है। इसको सिंगल भी आप रखोगे, सिंगल भी ऐसे रखोगे तो सिंगल भी ये इट इज़ रहेगा, ऐसे ही रहेगा। हमने इसमें कैंडी बनाया है, तो जनरली कैंडी में क्या रहता है, हम किसी को खाने को देते हैं तो उसके साथ एक प्लेट अलग से देनी पड़ती है, क्योंकि उसका जूस है वो थोड़ा बहुत बाहर नीचे गिरता है तो हाथ खराब होते हैं, तो उसकी वजह से हम कैंडी के साथ एक प्लेट देना देते हैं। पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है प्लेट देने की, इसकी एक खासियत है, इसको हमने कैंडी बनाया और ऐसे ही रखा और इसको ऐसे जॉइंट कर दिया, ऐसे जॉइंट कर दिया, तो इजीली हम कैंडी खा सकते हैं। और उसका यूनिकनेस ये है कि इसका जूस होगा ना, निकलेगा ना, वो सारा इसके अंदर, इसके होल दिए हैं इसके अंदर होके इसमें आ जाएगा, तो आपकी कैंडी खाते समय आपके हाथ खराब नहीं होंगे, कपड़े खराब नहीं होंगे। फ्रेश ग्रेप्स के जूस से हम काला खट्टा बना सकते हैं, उसके लिए ये मैंने लिया है अंगूर, और उसके साथ ये हमारा ट्विस्ट है, उसका वीडियो मैंने अलग से दिया है, वो आप देख सकते हो। और उसका मैंने जूस निकाला है, ग्रेप्स का जूस निकाला है, फ्रेश ग्रेप्स है, उसका जूस निकाला है, ये में हम भरते हैं इसमें, और इसका सील हम ऐसे बंद कर देते हैं ऐसे, और ये जाएगा मेरे फ्रिज में 6 घंटे के। तो चलिए हम देखते हैं हमारी कैंडी कैसे बनी है, मैंने पहले से बना के रखी है। इसको आप जरा सा पानी में रख दो, ऐसे, और फिर इजीली निकल जाएगा, और ऐसे आप इसको ऐसे लगा दो, और ये हमारी हो गई कैंडी तैयार। ये मैंने मैंगो से बनाई है, ये मैंने बनाई है केसर पिस्ता से, ये बनी है, और ये बताती हूँ, ये है नारियल पानी और स्ट्रॉबेरी की, तो डायबिटीज पेशेंट भी इजीली खा सकते हैं। और ये हमारी ग्रेप्स, इसके साथ आप चाट मसाला डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, चुस्की। बहुत टेम्पटिंग है, मेरे को तो देख के खाने का मन हो रहा है। तो कैसा लगा आपको ये लॉलीटॉप, जल्दी से आप जाइए अपने नियर डियर मैनेजर कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए, और अभी गर्मियों में गर्मी को कम कीजिए।